सोमवार को गाजीपुर की सड़कों पर मशाल रोशन हुई। यह मशाल विरोध के प्रतीक के तौर पर जलाई गई थी। दरअसल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में सोमवार को कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकालने की कोशिश की। लाल दरवाजा पावर हाउस से नारेबाजी करते हुए मशाल जुलूस निकालने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। कर्मचारियों को पुलिस प्रशासन को कोविड 19 का हवाला देते हुए मशाल जुलूस को पावर हाउस से कुछ दूरी पर ही रोक लिया गया। इसके बावजूद भी विद्युत कर्मचारियों ने पावर हाउस से कुछ दूर तक मशाल जुलूस निकालकर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी नेता निर्भय नारायण सिंह ने कर्मचारियों की तरफ से तहसीलदार मुकेश सिंह को पत्र सौंपा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस दौरान सीओ ओजस्वी चावला भी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। जो बिलिंग डॉक्यूमेंट जो अभी बिलिंग डॉक्यूमेंट 20 सितंबर को आया है उस संसद में उसका उस काले कानून का हम लोग विरोध करते हैं। निजीकरण होने से किसानों को, मजदूरों को, गरीब उपभोक्ताओं को, छोटे व्यापारियों को और साथ साथ हमारे कर्मचारी भाइयों का भविष्य, बीवी बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और हमारे अस्तित्व का लड़ाई है। इसलिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाए हैं कि अगर जो है अगर अभी भी हम लोगों की बातों को नहीं सुना गया तो हम आर पार की लड़ाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो कल से तो 2 से 5 हमारा कार्य बहिष्कार है, 5 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है। अगर प्रशासन ने हमारे किसी भी आदमी को छेड़ने की कोशिश की तत्काल लाइटनिंग हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे, उससे नीचे हम लोग मानने वाले नहीं। कर्मचारियों के इस आंदोलन में मुख्य रूप से आदिशासी अभियंता मनीष कुमार, महेंद्र मिश्रा, आदित्य पांडे, आशीष चौहान, सहायक अभियंता विजय यादव, शत्रुघ्न यादव, अमित कुमार, मिठाई लाल, सत्यनारायण चौरसिया, अवर अभियंता संतोष मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।